Student, today we will learn mathematics. It's page number 74. Let us measure. चलो क्या करते हैं, मापते हैं. A bed cover is needed for yes cot. One is very short and other is very long. See children, here is bed and yes have two beds. First bed cover is short for the bed. And second bed cover is long for the bed. So, he cannot measure the bed sheet properly. Then, a kingfisher bird arrived and she helped Yash to get perfect measurement. And she said, measure the length of the cot, then decide the measure of the bed cover. The kingfisher said, Yash, first you have to measure the length of the bed and then decide to measure the bed cover. Then Yash does not have a tape to measure. Let's measure the length by the span. Student, Yash does not have any measure tape. Then he decided to get measure by the span. See bachcho, span yani ye jo उंगली के पंजे के सहारे से माप लेते हैं उसको कहते हैं स्पैन. यश मेजर्ड द लेंथ एज 11 स्पैन्स. देखो बच्चों, यहाँ पे यश क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है अपने बेड की लंबाई. जैसे कि उसने लिया 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी वो अपना कंटिन्यू रखेगा मेजर लेना, यानी उसकी लंबाई लेना. सो द लेंथ ऑफ द बेड कवर should be 13 span. Student, उसने पहले जब मापा तो बेड की जो लंबाई थी 11 स्पेंस थी, यानी 11 बित्ता. बित्ता बोलते ना एक हाथ की लंबाई जब हम मापते हैं, तो 11 स्पेंस हुआ. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सो द लेंथ ऑफ द बेड शुड बी 13 स्पेन. जो बेडशीट होगा उसकी लंबाई क्या होगी, बेड की लंबाई से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे दो स्पेंस उसने ज्यादा लिया है. एज इट हैज टू बी अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि बेडशीट को थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए. विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज टू मेजर लेंथ. ऐसी वस्तुएं जिसकी जिसका मेजर लेने के लिए किस चीज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि टेलर की दुकान में जो टेलर अपने कपड़े का मेजर लेके कटिंग करता है, वो क्या करता है, मेजर टेप से कपड़े की लंबाई लेंथ और विड्थ मापता है. उसी तरह बच्चों, स्टूडेंट आप देखते हो कि जो बच्चे होते हैं स्कूल के, वो अपने मैथमेटिक्स के सवालों को हल करने में कभी कभी वो क्या करते हैं, स्केल का सहारा लेते हैं. अलग अलग जगहों पे बच्चों अलग अलग मेजरमेंट वाले चीजों का यूज होता है. नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर स्टूडेंट. यहाँ पे क्या है, दो पॉट्स रखे हैं. आपको दिख रहे हैं दो गमले हैं और दोनों की दूरी दूर दूर पे है. अब ये जो लड़की है ये क्या कर रही है, अपने पैरों के पंजों से इन दोनों के बीच का अंतर माप रही है. यहाँ पे आपने देखा कि बेडशीट की लंबाई हाथ से माप रहा था यश, पर यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है, इन गमलों के बीच की दूरी को अपने पैरों से माप रही है. फर्स्ट मेजर द डिस्टेंस बाय फीट. क्या करो, मेजर करो, मापो इसके डिस्टेंस को, दूरी को, किससे, फीट से, पैरों से. बिटवीन टू फ्लावर पॉट्स नियर बाय. आपको क्या कहा है, आपके आसपास जो गमले हो उनको थोड़े दूरी पे रखो और उनको अपने पैरों से चलकर मापो, जैसे ये लड़की माप रही है. और उसके बाद आप इस बॉक्स में लिखो कि आपने कितने फीट की दूरी अपने पैरों से इन गमलों के बीच में मापा है. जैसे कि अगर आप समझिए ये लड़की माप रही है 1, 2, 3, 4, 5, समझो इसके पैरों की दूरी 5 आ रही, तो ये क्या लिखेगी, 5. लेकिन जब आप अपने घर पे देखोगे करके, तो आप यहाँ पे 10 भी कर सकते हो, 10 फीट की भी दूरी आपके पैरों की हो सकती है इन दो गमलों के बीच में. नेक्स्ट स्टूडेंट, सी दिस इज न्यूज़पेपर एंड यू हैव टू गेज द लेंथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, मेजर इट बाय स्पैन एंड राइट. बच्चों आपको बोला गया है कि ये जो न्यूज़पेपर है इसकी जो लंबाई है आपको क्या करना है, अपने स्पैन से मापना है, यानी हाथ के
हथेलियों से मापना है कि ये कितने स्पैन्स है। अगर बच्चों आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप बुक की लंबाई को अपने हाथों की हथेलियों से यानी इस प्रकार स्पैन से माप सकते हो और जितना भी स्पैन होगा आप यहाँ पे लिखोगे कि इसकी जो लंबाई है पेपर की ये इतनी स्पैन है या तो बुक की लंबाई इतनी स्पैन है। थैंक यू स्टूडेंट।